बाला, कल मैं कोनिया के लिए रवाना होऊंगा। सुल्तान मसूद से एक अहम मसले पर बात करनी है मुझे। मुझे आपको जाने से पहले कुछ बताना है। क्या हुआ? आपको ये छुपाने की जरूरत नहीं है कि आप खुश हैं। अर्तुरुल साहब की वसीयत पूरी होगी एक दिन। मैं जानती हूं आप खुश हैं कि औलाद की आरजू पूरी हो रही है। गुंदूस भाई से जब आप बात कर रहे थे तो उस वक्त आपकी आवाज में मैंने खुशी महसूस की। आप बहुत खुश हैं और इस खुशी के मुस्ताहिक भी। छुपाएं मत इसे। दरअसल इस खुशी में मुझे भी खुश होना है। सबसे उम्दा सेब हैं ये, आज ही तोड़े हैं मैंने आपके लिए। क्या सिर्फ सेब के बागात हैं? सेब के ही। क्या आपको कुछ और खाना है? अनार खाने का दिल कर रहा है, क्या वो ले आओगी? मुश्किल है क्योंकि वो इस वक्त मेरे बागीचे में नहीं है। ढूंढ कर ला सकती हो? ये सर्दियों का फल है मलहून खातून, इस मौसम में मुझे कहाँ मिलेगा? तुमने ठीक कहा, लेकिन अच्छा होता अगर मिल जाता। अच्छी तरह मलहून खातून का ख्याल रखिए, आप दोनों इन्हें कोई काम नहीं करने देंगे। और इनसे ऐसा कुछ न कहना जो सुनकर ये गमजदा हो जाए। कोशिश करूंगी मैं, हो सकता है मिल जाए। कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ये भी तो हो सकता है सौत में मिल जाए। फिर जाकर देखती हूं मैं। खुश आमदीद हुजूर। शुक्रिया मलहून खातून। अभी मैं कोनिया के लिए रवाना हो रहा हूं, लेकिन जहन मेरा यहीं पर लगा रहेगा। अपना ख्याल रखना। अपना दिमाग अपने साथ कोनिया ले जाएं और अपना दिल यहीं छोड़ जाएं। वहां तो मैं सो भी नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा दिल ऐसे धड़केगा जैसे पसलियां टूट रही हो। जहन मेरा और दिल मेरा अपने बेटे के साथ होंगे। आप जाइए उस्मान साहब, हमारे बारे में फिक्र ना करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने बच्चे को अपनी बाहों में खिलाएंगे। मेरी देखभाल के लिए दो खवातीन मौजूद हैं। मैं आपके लिए दुआगो रहूंगी उस्मान साहब। अल्लाह राजी हो। उस्मान साहब, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। उस्मान साहब, ए माशाल्लाह। माशाल्लाह। मार दो इसे।
है यहाँ? ये कोई तुर्क नहीं है बेवकूफो, ये कमांडर दुकास है। वो वक्त से पहले इसलिए यहां आए ताकि आप लोगों का जायजा ले सकें। जब तक तुम लोग हो हमें दुश्मनों की जरूरत नहीं, मैंने देख लिया। हमें माफ कर दे कमांडर दुकास। मैं अच्छी तरह समझ गया हूं और कैसे निकोला के सिपाही उस्मान के सिपाहियों के हाथों आसानी से मर रहे हैं, वो किसी को भी नहीं छोड़ रहे। ये मत भूलना कि हम बाजुंतीनियों को तुर्कों से बचाने नहीं आए, बल्कि उस तैकफूर निकोला की नाकामियों को छुपाने के लिए यहां आए। हमारा काम आसान नहीं होगा। तुम्हें मुबारकबाद देनी है। बहुत शुक्रिया, बैठते हैं। शुक्रिया। तुम्हारे यहाँ आने से मुझे बहुत खुशी हुई बाला। ये बहुत खुशी की खबर है जिसका हम तवील अरसे से इंतजार कर रहे थे। अल्लाह राजी हो तुमसे मलहून, हमें खुशखबरी दी। हम थोड़ा इंतजार करने के बाद कबीले को ये खुशखबरी सुनाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया। बाला खातून, ये तो बहुत खूबसूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान और मेरे बेटे के लिए मैंने इन्हें खुद बुना था। लगता है तुम्हारा बेटा ये पहनेगा। ये तुमने मुझे दे दिए। मुझे खुशी होगी अगर तुम अपने बेटे को ये मोजे पहनाओगी। आखिर वो उस्मान का ही बेटा होगा। और फिर मैं भी उसकी मां होंगी। बाला, तुम भी उसकी मां होगी। बिल्कुल,
भी होगी। अगर ऐसा करने में ही तुम्हें सुकून मिलता है तो इसी में मेरी भी खुशी होगी, यकीनन। शुक्रिया, शुक्रिया। मुझे अब जाना चाहिए। शायद हम किसी और तरीके से मिली होती तो आज हम अच्छी सहेलियां होती, लेकिन इस तरह मिलना तकदीर में था। ये बिल्कुल ठीक कहा। खुशामदीद दुकास। कभी न थकने वाला कैसर का बहादुर निकोला। सही कहा ना? जब तुम बच्चे थे तो उसके किस्से बड़े शौक से सुनाया करते थे। एक अजीम रहनुमा, अजीम कमांडर। मैंने हमेशा तुम्हारी जहानत की कदर की है दुकास, लेकिन याद रखना मैदान जंग में कोई कैसर नहीं है, सिर्फ हम हैं। हम हैं। मैंने तुर्कों को बहुत नुकसान पहुंचाया है, मैंने उन्हें आगे बढ़ने से रोका है, अब उनसे छुटकारा पाने का वक्त आ गया है। बातों में मेरे पास जाया करने का वक्त नहीं है निकोला, हमें अभी से काम शुरू करना है। मेहमानों के खाने का इंतजाम सौद के लंगर खाने में करेंगे। हाँ जरूर ऐसा ही करेंगे। काम खत्म करके तुम्हारी मदद को आऊंगी, मैं भी नेक काम में शामिल होना चाहती हूँ। नेक काम करने से कौन रुकेगा आयशा खातून, आप आ सकती हैं। बहुत खूब। आसानी हो आपके लिए। शुक्रिया जोया। कोई बात कहनी है? उस्मान साहब की खातून ने खुद कपड़े धोए हैं, हैरानी हुई। ये उस्मान के कपड़े हैं, किसी और पे नहीं छोड़ सकती। तुम कहाँ जा रही हो? सोच जा रही थी, कुछ जरूरी काम है मुझे बाला खातून। अपने लिए कपड़े लेने थे। अच्छा ठीक है, तो जा सकती हो अभी, अल्लाह आसानी करे।
मुझे यकीन है कि आप हमारे सुल्तान की तौहीन नहीं करेंगे उस्मान साहब। सुल्तान की इज्जत को तुम्हारे अल्फाज की जरूरत नहीं है, बल्कि जो तुम्हारे दिल में है उस बहादुरी की है। बेफिक्र हो जाओ सुल्तान के सिपाही। ठीक है, खोलो। मोहतरम सरदार अर्तुरुल गाजी के फर्जंद उस्मान साहब। खुशामदीद उस्मान साहब। शुक्रिया हमारे सुल्तान। जो मालूमात मैंने आपको दी उससे आपने तुगाय वाला मसला हल कर लिया। आपका शुक्रिया। इस खेल से न सिर्फ तुगाय बल्कि बाजंतीनियों के भी चेहरे खुल के आश्कार हो चुके हैं। और उस शहंशाह ने बहुत बड़ा लश्कर भेजने का हुक्म दिया है मेरी मालूमात के मुताबिक। अंदाजा था मुझे इसका। शहंशाह ने एक एलची भेजा था। तकफूर को कहा मैंने अब सलजूक सल्तनत को कोई महसूल अदा नहीं करेंगे। मैंने यह भी सुना है कि कोई दुगास है जो इस बड़े लश्कर का सिपा सालार है। दुगास? इससे पहले उसने मेरा एक लश्कर तबाह कर दिया था। वो खतरनाक बहादुर है। वो मंगोलों से ज्यादा तुर्कों से नफरत करता है। आपको यह मालूमात किसने दी उस्मान साहब? मेरे सुल्तान, सुना है कि आपके महल की दीवारें कमजोर हैं, लेकिन अपने माखज पर भरोसा है, मुझे आप यकीन कर सकते हैं। तो ये वाजे है कि बाजंतीनियों का निशाना सिर्फ तुम नहीं बल्कि सलजूक है। सलजूक यानी कि मैं, मेरा लश्कर कूच के लिए तैयार है और मैं खुद उसकी कमान संभालूंगा। आप भी अपने बहादुरों के साथ जंग के लिए तैयार रहें। मेरे सुल्तान, हमें जंग के लिए तैयार होने की जरूरत नहीं होती। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो उस्मान साहब। सुल्तान, आ जाओ। क्या हमारे जंगजू तैयार हैं? सबसे बेहतर, सबसे वहशी, सिर्फ आपके हुक्म का इंतजार है उन्हें। अच्छा है, ये बताओ उस्मान की कोई कमजोरी नहीं है? है, और वो भी बहुत बड़ी। उस्मान को मोहब्बत हो गई। मोहब्बत किससे? उसकी बीवी बाला से। अपनी बीवी के साथ मोहब्बत का होना कौन सी कमजोरी है निकोला? इससे क्या हासिल होगा हमें? बाला मां नहीं बन सकती,
उसके बावजूद उस्मान दूसरी औरत से शादी नहीं करना चाहता था, जिससे जाहिर है ये उसका कमजोर पहलू है। लेकिन उसने मलून खातून से शादी करके उस कमजोरी को खत्म कर दिया है। खुशकिस्मती से मैं पहले ही उसकी नई कमजोरी ढूंढने के लिए इकदाम कर चुका हूं। मैं तुम्हें काई कबीले में अपनी जासूस से मिलवाना चाहता हूं। दरवाजा खोलो। जोया टेक फॉर दोकास। ये है हमारी खास जासूस। तो तुम काई कबीले में जासूसी करने में कामयाब हो गई? काफी वक्त बाद तुम जरूर किसी अच्छी खबर के साथ आई होगी। क्या ख्याल है सोया? मेरे पास एक बहुत ही अहम खबर है। उस्मान सरदार की मलहून खातून मां बनने वाली है। जोया, तुम मलहून खातून के बहुत करीब हो ना? जी बहुत ज्यादा। जब हमारा लश्कर उस्मान के सिपाहियों को कुचल रहा होगा तो काई कबीले से एक बहुत बुरी खबर आएगी। जोया जाओ, उस अच्छी खबर के लिए तुम्हें जो करना पड़े करो। गुंदू साहब आ रहे हैं। काई जमीनों पर आपको खुशामदीद कहता हूं। शुक्रिया हमारे सरदार। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। शेख अदबाली आ रहे हैं। ये तो शेख अदबाली है। खुश आमदीद मेरे बहादुरों। शुक्रिया हमारे शेख। अच्छा, हम इन्हें खाना खिलाएंगे। इन्हें लंगर खाने की तरफ ले चलो। बाला खातून इंतजार कर रही हैं शेख मोहतरम। अल्लाह का शुक्र है खाना बिल्कुल तैयार है। अगर आप इजाजत दें तो हम इन्हें ले जाएं शेख मोहतरम। आपको भी खुश आमदीद। आपका आना हमारे लिए बाइस खुशी है। आप सब लोग हमारे दिलों में बसते हैं। आपकी मेहमान नवाजी हमारे लिए एहतराम और शर्फ की बात है। मोहतरम शेख, सुना है काई कबीले की खवातीन भी जंगजू हैं। बाला खातून, गुंचा खातून और आईगुल खातून भी। हम भी जंग में जाना चाहते हैं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है गुंदूस साहब? शेर और शेरनी दोनों की एक ही सिफत होती है मेरे शेर। हमारे अजदाद ओउस खान की तरह हमें भी लड़ना पसंद है। सुना तुमने? मोहतरम शेख, मुझे भूख लग रही है। माशाल्लाह, चलो आ जाओ मेरे भाद, चलो चलो चलें। आप सब लोग खड़े क्यों हैं? मेरे साथ आए। चलो आ जाओ, चलो चलो जल्दी।
चलो बेटा आ जाओ। सिपाहियों, ये कई कबीले के लोग हैं, हम खास तौर पर इनकी हिफाजत के लिए ही आए हैं। चलिए